अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू फीस्ट इन आर्ट बाय नुसरत। चैनल मोनेटाइज होने के बाद में इस तरीके से गूगल एडसन पिन आता है, जिसे गूगल एडसन अकाउंट जो हमारा होता है उस पिन को हमें उसमें सबमिट करना होता है और फिर अपनी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स डालनी होती है और हमारा यूट्यूब से इनकम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाया। उसके लिए मैंने दो बड़ी प्याज ली हूँ जो मैं रफली चॉप्ड करूँगी और दो प्याज का मैं ब्रिश्ता बनाऊँगी। सबसे पहले तो इस तरीके से पतीली में ऑयल गरम कर लेंगे हम। प्याज को मैं इस तरीके से रफली चॉप्ड की हूँ क्योंकि हमें इसे सिर्फ सॉटे करना है ऑयल में। इस तरीके से ऑयल में हम इसे सॉटे कर लेंगे। अब हमें इसमें दो बड़े टमाटर और ऐड कर लेने हैं और इसे भी हम सॉटे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये जो ब्रिस्ता की प्याज थी वो मैं इस तरीके से बारीक बारीक कट कर रही हूँ। लच्छेदार प्याज होनी चाहिए ताकि ब्रिस्ता बिल्कुल क्रिस्पी सा बने। और अगर आपने मेरी ब्रिस्तदार तली हुई प्याज की फ्राइड ऑनियन की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूँगी, इसे ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए टमाटर और प्याज जो हमने कट करके सॉटे किया था वो हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ 4 से 5 मिनट इस तरीके से पकाना था। और अब ये जो हमारी ऑयल है, रिमेनिंग ऑयल, उसी में हम हमारा ये ब्रिस्ता बनाएंगे थोड़ी थोड़ी प्याज ऐड करके। और ये जिस हमें सॉटे किया था टमाटर प्याज, इसे हम पीस लेंगे। अभी हमारा ये दो प्याज का ब्रिस्ता ये भी रेडी हो चुका है, क्रिस्पी फ्राइड अनियन। अब इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी हमें इसे पीस लेना है। साथ ही साथ इसमें हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 5 टेबलस्पून भर के मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सालन बना रही हूँ, शोरबा मुझे ज़्यादा बनाना है। अब जिस तेल में हमने प्याज भी तली थी इसी तेल में हमें इसे पीसा हुआ पेस्ट हमारा ये हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और हम इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये तीखी हुई रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, तीखा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम नमक थोड़ा सा पाया बॉईल करने के टाइम भी डालने वाले हैं और इसमें भी मैंने नमक ऐड किया हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि हम इसमें पाए का सूप डालेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से बॉइल्ड पाया है, इसमें मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिला के और मिक्स करके और फिर मैं इसे वॉश करूँगी ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो निकल जाएगी और हमारा पाया बिल्कुल अच्छा सा बनेगा। अगर ये चीज़ आप ना करना चाहें तो आप स्किप करके इसे थोड़ा सा वेनेगर डाल के भी धो सकते हैं। अब पाए को मैं अलग से इस बार उबाल रही हूँ उसका सूप निकालने के लिए। तो उसमें देखिए मैंने अखे गरम मसाले में ये बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, बादियान और काली मिर्च डाली हूँ। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पाया किस तरीके का है और कितनी सीटी में होगा। मेरा 6-7 सीटी में होगा।
और हमारा ये जो पिसा हुआ मसाला था जिसे हम शोरबा बनाएंगे उसे भी हम इस तरीके से देखते रहेंगे, भूनते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। साथ ही साथ मैं ये बासमती राइस बनाने वाली हूँ और रोटी। आप चाहें तो इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। अब ये 8 से 10 सीटी लगी मुझे और ये हमारा पाया गल गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, सूप भी निकल गया है। इसका जो सूप है, जो स्टॉक है, वो मैं अलग निकाल लूँगी। और जो हमारा शोरबे का मसाला है, हम इसमें ये हमारा जो पाया है वो ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से और भून लेंगे। अब देखिए ये ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हुआ है और इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, एकदम परफेक्टली। अब ये भून भी चुका है, थोड़ा सा हम इसमें अब ये जो हमारा मटन स्टॉक, हमने जो पाए का स्टॉक सूप निकाल के रखा था, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा शोरबा बना है ये। इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे बारीक कट करके इस तरीके से, और इसे थोड़ी देर हम और पका लेंगे। अब मैं इसमें ये भुना हुआ बेसन था उसे मैंने पानी में घोल लिया था इस तरीके से और छान लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा पाए का सालन रेडी हो चुका है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। पाँच बज चुके हैं और मेरे अब्बा मेरे घर पे आते हैं हर रोज़ शाम में, तो मेरे अब्बा अब आ चुके हैं। अब मैं उनको चाय और साथ में साथ डोसा खिलाऊंगी। तो डोसे के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी चटनी बना रही हूँ, जो कि इसमें मैंने खोपरा है, नारियल, हरी मिर्च, भुनी हुई जो चने की दाल होती है वो, और थोड़ी सी कोथमीर मैंने इसमें डाल दिया था। और इसे हम पीस लेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करके। अब इसे हम बगारेंगे चटनी को। चटनी की बगार के लिए देखिए मैंने एक कड़ी पत्ता, ज़ीरा और राई लिया है। अकेले लाल मिर्ची भी हम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे बगार लेंगे। और ये हमारा गर्मा गर्म बटर सादा डोसा रेडी है। चटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अब्बा को और बच्चे लोग को नाश्ता कराने के बाद अब मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के यहाँ मेरी रेगुलर मेडिसिन के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ अब डॉक्टर के वहाँ जाऊँगी मेडिसिन लेने, और उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ डॉक्टर रुपेश सिंह से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ये, बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनसे अपनी मेडिसिन लेती हूँ। डिनर में बच्चे लोगों को आज सीख पराठा खाना था, तो हम पार्सल लेने के लिए आए थे। यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है, सीख कबाब और तंदूरी, खीरी, कलेजी, चाइनीज़ भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे और बहुत अच्छा होता है। तो हम पार्सल लेके घर पे आ चुके हैं और ये और बच्चे और हम लोग अब सीख और पराठा इंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ। और मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपने किसी नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ,
बाय, अल्लाह हाफिज़।